अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। यहाँ पे बेटा आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। वी विल ओनली कवर टुडे ओनली बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ऑलराइट, सो बेटा बेसिकली बाइनरी सिस्टम आपका ये जो चैप्टर है, इसके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हमारे पास है बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो चैप्टर है उसका नाम है बाइनरी सिस्टम। बट सबसे पहले वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज बेसिकली नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेटा, आपकी बुक में रीडिंग करती हूँ मैं। अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। वी आर ऑल फेमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम, वेयर ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अदर नंबर सिस्टम्स आर ऑल्सो यूज द वी डिस्कस फ्यू नंबर्स सिस्टम इन द फॉलोइंग सेक्शन। ऑल राइट, सो बेसिकली आपके न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक डाटा क्या चीज़ है? न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स। आपके जो नंबर्स हैं, जो आपके डिजिट्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनको अगर आपने रिप्रेजेंट कराना है, उनको शो कराना है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम न्यूमेरिक डाटा को यूज़ करते हैं, और इसी चीज़ के लिए नंबर सिस्टम यूज़ होता है। बेटा आज हम सिर्फ अपना नंबर सिस्टम डेसिमल को स्टडी करेंगे, एंड फर्दर वीडियोस में हम बाइनरी और हेक्साडेसिमल को स्टडी करेंगे। ऑलराइट, इसमें बेटा मैंने लिखा हुआ है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है दैट इज़ 10। ठीक है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी जो बेस है दैट इज़ ऑफ 10। अब इसमें डिजिट्स कितने आते हैं? 0 to 9 तक। डिजिट्स कितने आते हैं? 0 to 9 तक। अब एक एग्जांपल बेटा आपकी बुक में दी हुई है 8, 9, 2। ठीक है, ये बुक में आपकी दी हुई है 1, 2, 4, 7 and 5, 3। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं। मैं अभी एक एग्जांपल आपके सामने करूँगी आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि ये चीज़ आपने किस तरह से करनी है। 8, 9 and 2, क्योंकि हमने अभी ये स्टडी किया कि इसकी बेस जो है 10 है, तो वी विल मल्टीप्लाई द बेस विद दिस डिजिट्स। अब बेटा आप ये देखो कि आपने यहाँ से इसको पावर देना स्टार्ट करनी है। हमने क्या किया, हमने 8, 9, 2 को लिखा 8, 9, 2, और उनके साथ उनकी बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद उन्हीं बेसिस को हमने पावर्स दे दी। ये पावर 0, पावर 1 and पावर 2। अब सिंपल, अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बेटा एक मैथ्स का एक रूल है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर आप 0 करते हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। दैट्स द रूल। सो यहाँ पे आप देखो 10 की पावर 0 है, सो वी विल राइट इट एज 1, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 की पावर 1 है तो 10 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 10। सो इट हेयर इट विल कम 10। 10 की पावर 2 है, 10 × 10 इज इक्वल्स टू 100। ऑल राइट, सो वील राइट इट हेयर इंटू 8 इज इक्वल्स टू, सो वील मल्टीप्लाई 800 प्लस 90 प्लस 2, सो वील गेट 8, 9, 2। दैट्स हाउ वी अप्लाई द बेस, दैट्स हाउ वी अप्लाई द पावर्स एंड बेसिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑल राइट, सो दिस इज़ बेसिकली योर डेसिमल नंबर सिस्टम, के आप किस तरह से इसकी बेस लगाते हो। उसमें डिजिट 0 to 9 तक आते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। दैट्स इट, ये इसकी रेंज है। ऑल राइट, ओके, 8th क्लास। अभी आज हमने सिर्फ एक नंबर सिस्टम को डिस्कस किया, दैट इज़ योर डेसिमल नंबर सिस्टम। वी हैव डिस्कस दिस थिंग। I want all of my students to solve these problems from your book. आपकी बुक में जितनी भी डेसिमल नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, प्लीज़ सॉल्व देम। I have written some questions and question here for your exercise. 4, 6, 467, 89 and 100. This is your exercise. You have to perform these exercise at your home, and you have to let me know if you have any problem. You can ask me. Next, beta, hum log binary number system ko discuss karenge apni next video mein. Thank you so much, 8th class. Allah Hafiz.